हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग कुशल मंगल होंगे। तो चलिए आज फिर से एक नया ट्यूटोरियल वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज का जो सॉन्ग होगा, कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। इसका म्यूजिक वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, जो लोग नए होंगे वो जाके चेक कर सकते हैं। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, जरूरी नहीं है कि आप अपने कीबोर्ड पर सिर्फ मतलब मेन जो स्केल होता है उसी पे बजा सकते, किसी भी स्केल में आप बजा सकते हो कोई भी सॉन्ग को, ठीक है। जैसे मैं जनरली ये वाला कोड प्रीफर करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत इजी पड़ता है और मुझे अच्छा लगता है ये। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर सॉन्ग को इसी कोड पे बजाऊँ, ठीक है। उसके लिए मैं ट्रांसपोज का यूज करता हूँ, ठीक है। तो जो आपको इजी लगता है, जो स्केल आपके लिए इजी है बजाने में, उस स्केल में आप ट्रांसपोज का यूज करके आराम से बजा सकते हो। क्योंकि फिंगर का बात होता है दोस्तों, फिंगर अगर अच्छे से आपका एक किसी स्केल पे अच्छे से काम करता है, किसी स्केल पे नहीं काम करता है, तो आप ट्रांसपोज का यूज कीजिए, प्लस माइनस करते रहिए। जैसे अगर मैं बात करूं इस सॉन्ग का, जो मैंने इस वीडियो अपलोड किया है बजाकर कितना प्यार तुम्हें करते हैं, उसे मैं ट्रांसपोज 1 पे बजा रहा हूं। जैसे ओरिजिनल गाना ये है, तो यहां पे ट्रांसपोज है, मैं ट्रांसपोज 1 कर देता हूं, ठीक है। और मैंने बजाया है ये, ये हो गया आपका ओरिजिनल, ठीक है। और इसे अगर हम जीरो में बजाते हैं तो वो ऐसे बजेगा, इसी स्केल में अगर जीरो बजाते हैं तो ऐसे बजेगा। ये हो गया। तो अगर ये स्केल मेरे को पसंद है, ये स्केल पसंद है, तो मैं इसी स्केल पे हर गाने को बजा सकता हूं। आप प्लस माइनस ट्रांसपोज का यूज कीजिए। तो मैंने 1 ट्रांसपोज का यूज करके इस स्केल को लेकर बजाया था, ये कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ। लेकिन मैं जब सिखाऊंगा दोस्तों, तो मैं 0 पे सिखाऊंगा, ठीक है। मैं 0 पे सिखाता हूँ, एक स्केल कम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जब बजाइएगा एक स्केल ऊपर करके बजाइए, ठीक है। एक व्यूअर्स का कमेंट आया कि आप बजा रहे हो तो फेक बजा रहे हो, क्योंकि आपने बजाया इसमें है, ओरिजिनल इसमें है, आपने बजाया इसमें है। तो उसे मैंने रिप्लाई भी किया कि भाई मैं ट्रांसपोज का यूज करता हूं, अगर आपको लगता है ये फेक है तो आप आइए मेरे पास, मैं आपको लाइव सुना देता हूं। तो किसी को फेक मत बोलिए, जज मत कीजिए। मेरे ट्यूटोरियल्स भी देखिए, मैंने ट्यूटोरियल भी बनाया हुआ उस वीडियो का कि मैं सिखा रहा हूं, तो वो तो फेक नहीं हो सकता, मेरी आवाज तो फेक नहीं हो सकती है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो मैं 0 पे बजा रहा हूं, ठीक है। तो इस सॉन्ग में सबसे पहले म्यूजिक है, और म्यूजिक क्या है वो ये है। अच्छा, ये स्प्लिट ऑन है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूजिक, म्यूजिक क्या है, तो सबसे पहले म्यूजिक, म्यूजिक क्या है वो ये है। ये म्यूजिक है, उसके बाद ये
ये हो गया, ठीक है, ये म्यूजिक है, तो इसे मैं ट्रांसपोज वन में ही बजाता हूँ ताकि आप लोग को इजी पड़े ओरिजिनल सॉन्ग बजाकर। जब कराओके आप बजाओगे तो आपको इस टोन में बजाना पड़ेगा। ये ओरिजिनल स्केल हो गया, ठीक है, कराओके के लिए, ठीक है। तो मैं इसी के पे बजाता हूँ। तो सबसे पहले म्यूजिक क्या था, ये फर्स्ट हो गया, फिर ये चीज है, ठीक है। कैसे बजाया एक बार फिर से देखिए, उसके बाद फिर ये चीज, उसके बाद यहां तक, उसके बाद कितना प्यार तुम्हें करते हैं, फिर यहीं से स्टार्ट होगा, उसको ये म्यूजिक हो गया, ठीक है। देखिए कैसे बजाए, आज हमें मालूम हुआ फिर म्यूजिक है, ये ऐसे बजेगा, ये चीज, फिर उसके बाद कितना प्यार तुम्हें करते हैं, फिर से वही बात, दो बार बजेगा, जीते नहीं, जीते नहीं तुम पर मरते हैं, आज हमें मालूम हुआ, कैसे बजाया, आज हमें मालूम हुआ, बहुत सिंपल है दोस्तों, ठीक है। फिर उसके बाद कितना प्यार तुम्हें करते हैं, आज हमें मालूम हुआ, ये चीज। तो ये पार्ट जो है दो बार बजेगा, ठीक है, एक मेल वॉइस में और एक फीमेल वॉइस में, सेम चीज, सिमिलर चीज दो बार बजेगा। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा, और प्रैक्टिस कीजिए, जरूर बजेगा, ठीक है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार में तो बजना ही बजना, बहुत इजी स्टेप है, ठीक है, इसके लिए है, ठीक है। उसके बाद फिर म्यूजिक आ जाता है, जैसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसके बाद म्यूजिक आ जाता है, म्यूजिक आपका ये है, ये चीज, फिर ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो पहले म्यूजिक देखते हैं, देखिए यहां से स्टार्ट हुआ,
ये चीज है। एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है, ये दो बार बजेगा, उसके बाद फिर दो बार बजने के बाद, ठीक है, उसके बाद फिर एक ऑक्टेव पीछे, ये चीज कैसे बजा यहां पे, एक ऑक्टेव पीछे, यहां तक ये हो गया पहला अंतरे के पहले का म्यूजिक, ठीक है, उसके बाद यहीं से स्टार्ट हो चुका है, यहां खत्म होने के बाद ये चीज बजेगा, सॉरी मिस्टेक हो गया, फिर से देखिए, ये म्यूजिक है उसका, फिर से ये हो गया आपका अंतरा, ठीक है, कैसे बजाया देखिए, ये हो गया इधर आओ की दीवाना तुम्हारा हमको बनना है, हो गया, फिर से देखिए, ये हो गया उसका म्यूजिक, ये म्यूजिक हो गया, फिर से वही चीज, यहां तक, उसके बाद हम इन बाहों में खो जाएं हमारी भी तमन्ना, हमारी भी तमन्ना है, ठीक है, उसके बाद यहां तक, ठीक है, उसके बाद फिर कितना प्यार तुम्हें करते हैं, ठीक है, फिर जीते नहीं तुम पर मरते हैं, ये पार्ट भी इसी में बजेगा, समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद फिर से आपका सेकेंड अंतरा स्टार्ट हो जाता है, उससे पहले म्यूजिक, तो म्यूजिक ये है दोस्तों, thank you.
उसके बाद सेकेंड अंतरा स्टार्ट हो जाता है। तो क्या था वो देखिए, यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद फिर यहां तक मिली। एक बार फिर से देख लेते हैं दोनों को साथ में, ठीक है। एक पार्ट हो गया, दूसरा ये हो गया, उसके बाद फिर से देखिए, फिर ये म्यूजिक था। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है वही पार्ट, जो पहला अंतरा है वही सेकंड अंतरा है। सिमिलर बजेगा, जो पहले अंतरा मैंने सिखाया है वही सेकेंड अंतरा भी बजेगा। तो आप उसको एक बार सीख लीजिए और सेकेंड में भी वही बजा दीजिए, बस जो म्यूजिक पार्ट होता है दोस्तों वो चेंज होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आप लोग तीनों पार्ट को सीखिए अच्छे से, एक तो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छे से, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही हर अंतर के लास्ट में ऐड होता है, ठीक है। उसके बाद पहला अंतरा म्यूजिक सीखिए, अंतरे से पहले का म्यूजिक, फिर अंतरा पहला सीखिए, उसके बाद सेकेंड अंतरे का म्यूजिक सीखिए, जो पहला अंतरा है वही सेकेंड अंतरे में आप बजा दीजिए, क्लियर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए।